बात कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की, बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से मार्च निकाल रहे किसान दिल्ली पहुंच गए हैं। भारी बवाल के बाद पुलिस ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी है। हालांकि किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे, साथ ही साथ इस दौरान पुलिस किसानों के साथ ही रहेगी। रिपोर्ट देखिए। पंजाब हरियाणा से दिल्ली कूच करने वाले किसानों को अब दिल्ली में प्रदर्शन की जगह मिल गई। अब किसान पुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन करते नजर आएंगे, लेकिन इससे पहले अंबाला के शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों का उग्र रूप देखने को मिला। किसानों ने रास्ते की बाधा बने बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका। इस दौरान कई किसान घायल भी हुए, फिर भी किसानों का मनोबल टस से मस नहीं हुआ। सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस ने किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की। आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, तो वही किसानों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। के पास गगर पुल पर जिस प्रकार से नाकेबंदी की गई थी, पाइपें लगाई गई थी, मिट्टी डाली गई थी, लेकिन उसको तोड़ते हुए, बैरिकेड तोड़ते हुए ये आप देख सकते हो किसान वहां से आगे बढ़ चुके हैं। किसान बैरिकेड तोड़ के वापिस आ चुके हैं, सिरसा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। काफी देख सकते हो, काफी दूर दूर तक काफी संख्या में, जो भारी संख्या में किसान है वो अभी कुछ पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों के साथ भी आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा काफी कोशिश की गई थी, जो घगर का पुल है उसके ऊपर बड़ी बड़ी पाइपें रखी गई थी, हालांकि मिट्टी डाली गई थी, उसके बाद इन तमाम बैरिकेड्स को तोड़ते हुए जो किसान है आगे बढ़ चुके हैं, सिरसा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कुछ किसानों से बातचीत करवाने के लिए, मेरे साथ कुछ किसान है, मैं बातचीत करना चाहूंगा। सर, आपका क्या, आपको बैरिकेड रोका गया था, क्या करना चाहेंगे आप? तोड़ के नंगा गए जी। तोड़ के नंगा गए। कहां तक जाओगे, क्या करना चाहोगे? दिल्ली तक जाओगे जी। बार बार प्रशासन से रोका जा रहा है, क्या करना चाहेंगे? इसके अलावा टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने को मिली और पुलिस को किसानों को रोकने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सफल ना हुई। कृषि अध्यादेश को लेकर लगातार जिस तरह से किसान विरोध कर रहे थे और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में जाने की उनको अनुमति नहीं दी जा रही थी। लेकिन सुबह से जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर जो स्थिति देखने को मिली, जो झड़प पुलिस और किसानों के बीच हुई थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से भी बुराड़ी मैदान को ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि किसान वहाँ बैठकर आसानी से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरह से सुबह जो बॉर्डर पर पूरी तरह से सील कर दिया गया था, अब किसान दिल्ली में एंट्री कर चुके हैं और दिल्ली में कह सकते हैं कि जो लगातार उनकी पहली मांग थी कि दिल्ली में ही बैठकर किसी तरह की वो बातचीत करेंगे इस बिल को लेकर, और अब पूरी तरह से जो ट्रैक्टर ट्रॉली और सभी किसानों को दिल्ली में एंट्री की अनुमति दे दी गई है। पुलिस प्रशासन ने तमाम जो जवान थे उनको यहाँ से पीछे हटाया और उसके बाद जो बैरिकेडिंग की गई थी, जो वाहन लगाए गए थे बाकायदा, उनको हटवाने के बाद अब सभी किसानों को अनुमति दे दी गई है। और इसके अलावा देश और प्रदेश के कई हिस्सों में भी किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, और जैसे ही हरियाणा पंजाब से निकले किसान दिल्ली के करीब पहुंचे, तो दिल्ली पुलिस की चिंताएं और बढ़ने लगी। किसान लगातार दिल्ली में घुसने की मांग कर रहे थे और जंतर मंतर या रामलीला मैदान जाने की अपील कर रहे। किसानों का कहना था कि उनके जत्थे में 5 लाख लोग हैं, ऐसे में वो बिना दिल्ली पहुंचे वापस नहीं जाएंगे। किसानों की अपील थी कि वो नियमों का पालन करने के लिए तैयार है, यानी अब निरंकारी ग्राउंड में भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसान प्रदर्शन कर सकेंगे। किसानों के दिल्ली कूच के आह्वान के बीच में लगातार 2 दिन से पुलिस की चौकसी बॉर्डर पर दिखाई दी, और अब हम फिलहाल खड़े हैं फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर, जहां पुलिस की अभी भी शाम के वक्त भी चेकिंग अभियान शुरू किया हुआ है, और कोशिश यही है पुलिस की इस दौरान के कोई भी किसान अभी यहां से ना निकल पाए। और आप, अगर मैं दिखाऊं आपको तो देखिए, ये बदरपुर का दिल्ली बॉर्डर है जहां पुलिस अभी भी तैनात है, और कोशिश पुलिस की तरफ से यही की जा रही है कि कोई ऐसा किसान अगर फरीदाबाद या पलवल से दिल्ली की तरफ कूच करता है तो उसको यहीं बॉर्डर पर रोक लिया जाए। और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो पुलिस की तैनाती लगातार पिछले 2 घंटे से
24 घंटे यहां तैनाती की गई और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दी। और ये देखिए आप, मैं आपको दिखाऊं सामने, तो ये पुलिस इस तरह से गाड़ियों को देख रही है कि आखिर अगर किसान इसमें हुए तो उनको यहां से वापस भी कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों के लिए दिल्ली में अस्थायी जेल बनाने की तैयारी की जा रही। दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से 9 स्टेडियम में अस्थायी जेल बनाने की इजाजत मांगी, हालांकि राज्य सरकार ने इसे ठुकरा दिया। दूसरी ओर किसानों की ओर से दिल्ली में प्रवेश की जिद की जा रही थी और किसी भी रास्ते से वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों को बुराड़ी के निरंकारी स्टेडियम में प्रदर्शन की अनुमति दे दी गई। हालांकि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का कहना है कि सरकार ने किसानों को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया है। अब देखना ये है कि किसान दिल्ली तो पहुंच गए लेकिन उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।